नमस्कार अक्का। नमस्कार किलो रखा हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच ये अमेजिंग सरप्राइज के लिए। ये सारा खा डाइट वाइट के तो सोच ले। देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास। अरे पागल कैमरा को खिला। अच्छा मुझे नमस्कार अक्का। नमस्कार अक्का, आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया? It's been like मैं जून से यहाँ पर हूँ। Oh, that's great. तो यहाँ के बारे में कुछ दो शब्द की कैसा experience है, कैसा change आया life में? तो आप बताएं। आप यहाँ आके रहो, आपको खुद से ही पता चल जाएगा। आप दो दिन रहे हो, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए तो ये एक बहुत अलग सी दुनिया है। जिस दुनिया से मैं आया हूँ मुझे लग रहा है मैं कोई अलग यूनिवर्स से आया हूँ। यहाँ पे अलग तरीके के लोग हैं, मतलब चाहे छोटा हो बड़ा हो सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है। कल्चर बहुत अलग है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में फ्रीडम है। एक जगह होती है ना कि जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ फ्रीडम नहीं है, यहाँ डिसिप्लिन के साथ फ्रीडम है। मेरे लिए तो बहुत अलग था। बाकी बहुत अच्छा लगा आपको मिलके बात करके। नमस्कार। 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 जैसे कि आप लोग नंदिता जी को सही मैं नाम ले रहा हूँ जानते होंगे, आपने देखा होगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, दो दिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा था ईशा फाउंडेशन? इट्स मैजिकल। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि हम कॉन्टेंट क्रिएटर आने से पहले कनेक्ट कर पाएंगे इस जगह से, बिल्कुल भी नहीं, आप भी नहीं कर पाएंगे। बट सीरियसली यहाँ आ जाओ एक बार ना, तो इतना मैजिकल है हर कुछ। यहाँ का खाना, यहाँ की बातें, यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। Yes, very soft hearted, smiling face. तो ऐसा लगता है ना कि अब let's take a break. ये break सबको deserve करता है actually. आप सबको यहाँ आना चाहिए। बात तो आपकी एकदम सही है। यहाँ पे आके वो इंसान भी change हो जाएगा जिसके mind में anxiety है, depression है, परेशान है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, बहुत अच्छा लगा इनसे भी बात करके, और हम सब यहाँ बहुत इंजॉय किए। और इस बाइट के लिए भी थैंक यू, इनके जितने फॉलोअर्स हैं मुझे फॉलो करना। फॉलो जरूर करना। डू फॉलो। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो यहाँ पर क्यूकी के सारे क्रिएटर्स हैं एंड अभी हम लोगों ने फोटो वगैरह लिया है, तो अगर वो वीडियो फोटो मेरे पास आया तो जाएगा ही, वो मैं इधर ही लगा दूंगा। सो अब हम आपको मिलवाने वाले हैं आर्यन जी से। नमस्कार, कैसे हैं? तो यहाँ पर ईशा फाउंडेशन में हम दो ही यंगेस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं। आप 13 साल के हैं? 13 साल के हैं, मैं 19 साल का हूँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे दो तीन दिन में? ये तो एकदम अनबिलीवेबल, और ऐसा कहीं मतलब जमशेदपुर झारखंड ये तो कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। माइंड ब्लोइंग। अच्छा लगा खाना? एकदम ऐसा लगता है क्योंकि बच्चों को खाना समझ नहीं आता है, तो खाना कैसा लगा आपको यहाँ का? खाना साउथ इंडियन फूड इज ऑसम। अच्छा लगा ना। बाकी आपने मेडिटेशन वगैरह ध्यान लिंगम किया अच्छा, ना एकदम ऑसम। ये सब चीज कहीं देखने को नहीं मिलता है। नहीं, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है एंड आप भी बहुत प्यारे हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आर्यन से मिलके। एंड नमस्कार। तो हम ईशा फाउंडेशन की वॉलेंटियर से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आपका नाम? श्रीजना। तो आप यहाँ पर कितने टाइम से हैं? मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए। 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस है एंड आपने क्या क्या किया यहाँ पे? मैंने बहुत सारी वॉलेंटियरिंग करी है और बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं। एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एवरी डे एवरी मोमेंट इज यू नो डिफरेंट। एवरी डे देयर इज समथिंग टू लर्न, समथिंग टू टेक एंड समथिंग टू ड्रॉप। एंड दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग। इट फील्स लाइक दिस इज माय होम। ऑफ कोर्स आई मिस माय पेरेंट्स समटाइम्स, बट इट फील्स लाइक दिस इज माय होम। एवरीबॉडी इज देयर, देवी भैरव इज देयर, पीपल आर सो नाइस, फूड इज सो नाइस। सो
तो आप कभी सद्गुरु जी से मिले? जी, नॉट पर्सनली बट तो आपको कैसा लगा, वो एक्सपीरियंस कैसा था कि एक आमने सामने की देखने वाली मुलाकात भी रहती है, तो वो कैसा था? वो जो उनकी प्रेजेंस है वो वर्ड्स में तो मैं बोल पाऊंगी नहीं पाऊंगी पता नहीं, वो अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। बट जैसे आप किसी डिवाइन बीइंग के सामने आप किसी टेंपल या फिर डिवाइन बीइंग के सामने अगर आप खड़े हो तो आपको कैसा फील होगा, उनकी प्रेजेंस कैसी है, और आप कहीं पे भी बैठे हो, आप आँख बंद करके भी बैठे हो तो आपको पता चलता है कि कोई तो है आसपास, कोई तो एनर्जी है, और वो कनेक्शन, वो एनर्जी, वो आपको फील होता है, चाहे आप मेडिटेटर हो ना हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मुझे भी दो दिन में ऐसा लगा घर की याद तो नहीं आई। अगर मैं कहीं और घूमने जाऊं, गोवा जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, तो ऐसा लगता है कि यार घर वाला सुख नहीं है, लेकिन यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। अगर हमने यहाँ पर खाना खाया तो लगता है कि चलो घर चले, घर यानी कॉटेज चले, तो ये नहीं निकल रहा है कि कॉटेज जाना है, स्पीथ्री जाना है, बोलते हैं कि घर चले। तो वो मेरे लिए भी है कि दो दिन में मैंने एक अलग दुनिया को देखा है, कि दिल्ली मेरे लिए अलग दुनिया है, ये ऐसा लग रहा है कोई अलग यूनिवर्स है। बहुत अच्छा है, बाकी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो फाइनली हम आपको अपने मित्र से मिलवाने वाले हैं जिनके साथ हम दो दिनों से हैं, एक बिहारी यानी हमारे बिहारी बाबू। तो बिहारी बाबू ये बताइए कि आपको कैसा ईशा फाउंडेशन में दो दिन में लगा? पहले यहाँ आने से पहले यहाँ कुछ वीडियोज हमने देखा था, तो मेरा एक डिवोशनल करके एक फोल्डर है जिसमें हमने सेव करके रखा था कि यार यहाँ तो आना ही है। और जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे लिटरली एक पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, मतलब हर कुछ यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ का खाना हो, रहना हो, कल्चर हो, हर कुछ यहाँ के लोग हो। और दो बेस्ट चीज़ लगता है, पहला ये कि सुबह शाम रात दोपहर जब भी आप किसी से भी मिलो, नमस्कार मन्ना, नमस्कार मक्का, ये बहुत बेस्ट लगता है। और मुस्कुरा के करते हैं, अगर आप कुछ गलती भी करो नमस्कार मन्ना, ये नहीं ऐसे नहीं करना, लोग ऐसे बोलते हैं आपको, तो ये बेस्ट चीज़ है। और हर कुछ भाई यहाँ का वेदर देख लो, बहुत नेक्स्ट लेवल। वो तो ऐसा है कि एक बार ही देखने लगे ना तो आंखें वहीं रुक जाएंगी कि पहले अच्छे से देख लो, वरना कोई मोमेंट मिस हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और कुछ आपको बताना हो यहाँ के बारे में एंड ऑडियंस को बोलना हो? ऑडियंस को बस ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपने यहाँ अभी तक आए नहीं हो, वीडियोस तक ही अगर देखे हो, जैसे हमने भी पहले बहुत सारे यहाँ के वीडियोस देखे, तो एक बार आप यहाँ पे विजिट करो, जरूर आओ, एक्सपीरियंस करो यहाँ के चीज़ों को, यहाँ के कल्चर को, हर चीज़ को, और वो बिल्कुल वर्थ इट होगा। मतलब आने से पहले मेरे भी दिमाग में बहुत बैक ऑफ द माइंड थॉट्स चल रहे थे कि कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, बट बहुत सब कुछ मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब है यहाँ, आप सीधे ऐसे समझो। हाँ, बाकी इन्हें हर्ष कोरवाल तो मिल ही गए हैं, तो ये हर्ष कोरवाल बहुत खुश हो गए थे। बहुत अच्छा लगा अन्ना आपसे बात करके। नमस्कार अन्ना। सो गाइस, हमारा आज का तीसरा दिन भी हुआ खत्म, अब हम जा रहे हैं कॉटेज में, एंड अब वहाँ से फटाफट चेंज करूँगा, एंड 6 बजे कैब आ जाएगी, तो मैं फिर निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए, एंड फटाफट सामान उठाएंगे निकलेंगे, तो भाई से भी राम राम करेंगे एंड निकलेंगे। सारे भाई ने तो अभी हर्ष भाई जा रहे हैं, हम आए भी नारियल खाए, हमने किया प्रैंक, और अब हम जा रहे हैं घर घर। एंड ऋचा जी ने एंड पिया ने बहुत अच्छा मुझे सरप्राइज दिया, छोटू सा केक कट किया एंड ये कट चुका है हमारा बैंड। थैंक यू बाय। ये नहीं जा रहे हैं ऑल्सो बाय। तो हाँ, तो हम एयरपोर्ट पे एंड फटाफट
चेक इन करते हैं एंड चलते हैं। वैसे मैं लेट हूँ तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पर। जल्दी चलते हैं, जल्दी तो मिलते हैं। सो गाइस, मैं कोयम्बतूर एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। मैंने बोर्डिंग पास ले लिया। मुझे लगा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी मेरे पास आधा घंटा है। अभी तो यहाँ गेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो बोर्डिंग क्या शुरू होगी। बहुत थक गया भाई, नींद आ रही है बहुत गलत लेवल वाली। तो अभी है टाइम, तो वो भी बैठे हैं और फिर सीधा फ्लाइट में जाएंगे। एक दो शॉट दिखाऊंगा, फिर सीधा दिल्ली जाके दिखाऊंगा। 3 दिन से लगातार नॉन स्टॉप शूट 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 चल रहा है एंड तो मज़ा भी आया। ऐसा नहीं है मज़ा नहीं आया, मज़ा बहुत आया और सबसे मिला। बुरा भी लग रहा था एट द एंड की जाना पड़ रहा है सब लोगों के साथ, यहीं रहूँ, यहीं मज़ा आ रहा है। और एक्चुअली मज़ा नहीं बोल सकते, मतलब लाइक मज़ा भी बोल सकते हैं, आनंद भी बोल सकते हैं, लाइक फैमिली लग रहा है। मैं वर्ड्स है ही नहीं मेरे पास कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स को। तो रिचा जी ने, पिया ने और हमारे बिहारी बाबू ने और सब ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया एडवांस में। एंड जैसे कि तुम्हें नहीं पता कि कल मेरा बर्थडे है 16 सितंबर को, तो एडवांस में मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। और फैमिली के साथ साथ मुझे दोस्त भी बहुत मिले यहाँ पर, और अच्छे दोस्त मुझे पिया और अपने ऐश्वर्या भाई मिले, जिनके साथ मैं घूमा फिरा, मस्ती करी, इधर गया उधर गया। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट करी हैं, जितना हो सका उतना दिखाया है। सो अभी चलते हैं फ्लाइट पे, देन मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम कोयम्बतूर से दिल्ली आ चुके हैं एंड तो बस अब सीधा घर चलते हैं और फिर मिलते हैं। क्लैरिटी थोड़ी ऐसी आ रही है, बस सीधा घर पे मिलेंगे।